हरे बोल जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम कल्पना परमार है, मैं पालमपुर से हूँ और जिला कांगड़ा की रहने वाली हूँ। पेशे से मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं 24 मार्च 2021 को अपनी बड़ी बहन अर्चना जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी। तब से मैं निरंतर यह ज्ञान ले रही हूँ और मेरी फैमिली में मैं और मेरी बेटी हम दो लोग हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। हमारे परिवार में पूजा का माहौल जो था वो बिल्कुल शून्य के बराबर था। भगवान को सिर्फ याद किया जाता था सुबह शाम धूप जोत करके। लेकिन जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, भगवान को बड़े भाव से याद करती हूँ। सुबह शाम जब मैं स्कूल जाती हूँ तभी मैं बोल के जाती हूँ, फिर जब मैं आती हूँ मैं तभी मंदिर में जाती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में मैं 24 मार्च 2021 को जुड़ी। 23 मार्च 2021 को मैं, मेरी बहन अर्चना जी और मेरी बेटी चार्मी अपनी बड़ी बहन कंचन जी के घर नगरोटा गए। वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं भी ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि देख, मैं हमारे एक सर है रजिंदर जी, वो हमें, मैं उनके माध्यम से एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, अगर आप चाहो तो मैं भी आपका बात करती हूँ अभी। तभी हमने रजिंदर सर जी को फोन किया, हम बाहर बैठे हुए थे सारे ही, तो सर ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन कल्पना जी भी आपके साथ जुड़ना चाहती है। तो तभी उसी दिन उन्होंने मुझे उस ग्रुप के साथ ऐड करवा दिया और 24 मार्च शाम को 8:50 पर हमने वो सत्संग सुना। उसके बाद मेरी बेटी अर्चना जी के घर रहती थी उन्हीं दिनों, वो कांगड़ा में पढ़ती थी तभी, तो उसने भी वो सत्संग सुना। फिर वो मासी के साथ भी सुनने लगी। फिर मैं वो घर आई तो बोलती मम्मी मासी भी रोज सुनते हैं। और उसी दिन से हम निरंतर गोलोक एक्सप्रेस से भागवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरे में बहुत नेगेटिविटी थी। मैं 24 घंटे अपने आप को ही कोसती रहती थी और अपनी बेटी को, अपनी बहन अर्चना जी को बोलती थी कि मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे से दुखी कोई नहीं, मैं किससे अपना सुख दुख करूँ, किसको सुनाऊँ। चार्मी तो स्टूडेंट है उसके, जब मैं चार्मी को सुनाती थी तो चार्मी मेरे से भी दुखी हो जाती थी। लेकिन जब से फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आप ये सत्संग सुनो, रोज मंदिर जाओ, पूजा करो, माला करो, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं अपने आप को ही कोसती थी। और भगवान का तो मैं ख्याल ध्यान नहीं लगाती थी कि भगवान भी कोई है। और गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मैं ये रोज निरंतर ये सत्संग सुनने लगी और मुझ में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, हमारे घर के पास से शिव जी का मंदिर है, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो मुझ में बड़ी पॉजिटिविटी है। मैं अब अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करती हूँ, सभी के साथ सत्संग होता है, मैं सत्संग में जाती हूँ और मैं अपने आप में बहुत बदलाव महसूस कर रही हूँ। जो मेरे जीवन का डेली रूटीन है वो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने भगवान को स्नान कराती हूँ और उनको कपड़े चेंज करवा कर फ्रूट की एक थाली काट कर उनके आगे रखती हूँ। और स्कूल जाने से पहले मैं चार्मी को बोलती हूँ कि पीछे से आपने भगवान को भोग लगाना है और उनकी सेवा करनी है। और जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मैं रोज उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बाय चांस अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो मैं उनके लिए स्पेशल उसी टाइम घर में बनाकर देती हूँ, तब मेरे मन को तसल्ली होती। मेरे मन में ये गलत धारणा थी कि जो लेडीज जो हैं वो माला नहीं करती हैं, पर जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी मैंने ये महसूस किया कि वहाँ सब छोटे से बड़े तक सभी माला करते हैं, मैंने भी माला करना शुरू कर दी। और इसकी विशेषता ये है कि हमें घर बैठे ही हर रोज भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी बहन अर्चना जी का, गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी का, बिंदु सर जी का, जिनके माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं निरंतर भागवत गीता का ज्ञान ले रही हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी भगवान से जुड़िए और रोज भागवत गीता का ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत कीजिए।
न शस्त्र पर न शास्त्र पर न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि।